सो गाइज यार, लास्ट गेम प्ले वीडियो के अंदर हमने एक परचेज की थी पोर्च, और उसके साथ साथ दो गाड़ी परचेज की थी जो कि न्यू अपडेट के साथ साथ आई थी। आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। और आज अपन करने वाले हैं ड्रैग रेसेस, वो भी इसलिए गाइज क्योंकि उसके अंदर अपन को देखना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट कितना होगा और ड्रैग रेस कितनी लंबी होती है, कैसे होते हैं, कितने लैप्स होते हैं, सब कुछ अपन को ट्राई करना पड़ेगा ताकि अपन चैलेंज कर पाएं और अपन अपना बेस्ट देंगे। और हमारे पास में एक सुपर कार है तो अपन को डरने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, तो अपन को ये सारी चीज़ें अपन को पता है। तो आप देख सकते हो, ये रही वो तीनों कारें जिसके बारे में बात कर रहा था। ये दो तो अपन ने जो नहीं आई थी, जो अपन ने परचेज की थी, एक ये रही और एक ये रही, और बाहर जो एक खड़ी है वो इलेक्ट्रिक है और एक ये रही। तो अपन इससे ही रेस करने वाले हैं अपनी सुपर कार से ताकि अपन जीत जाएं, कोई ज़्यादा दिक्कत आए नहीं। और अभी मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ गैस स्टेशन के पास में, क्योंकि वहीं पर यार वो ड्रैग रेस वाला जो भी सेटअप है वो तैयार हो रखा है। तो अपन अभी वहाँ पर जाएंगे और अपनी कार को टेस्ट करेंगे। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो हमारे 10 मिलियन भी कंप्लीट हो गए हैं, और अभी मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ और इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से इसको रवाना करता हूँ और डायरेक्ट चलते हैं अपन ड्रैग रेस की तरफ, क्योंकि अपन को पहले हाथ बिठाने जरूरी है और उसके बाद में अपन किसी को चैलेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या वो अपने कम से कम टाइम के अंदर इसको पूरा कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये मल्टीप्लेयर तो है नहीं, सिंगल प्लेयर है, तो आप चैलेंज कैसे दे रहे हो? तो सिंगल प्लेयर के अंदर भी अपन चैलेंज ऐसे दे सकते हैं कि मैं जो रेस जीतूंगा वो एकदम कम टाइम के अंदर जीतूंगा, सबसे कम टाइम के अंदर, देखते हैं कि सामने वाले जीत पाते हैं या फिर नहीं जीत पाते। तो इसीलिए यार आज का पूरा वीडियो यही होगा कि मैं एकदम हाथ अपने बिठा लूंगा इस रेस पे और जो मेरी सबसे बेस्ट कार होगी ना उसी को लेके जाके रेस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपन पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा आगे अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले कुछ नहीं था पर अभी बस खड़ी रहती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक बंदी है जो कि ये खड़ी, और इसके पास में आप देख सकते हो कार कौन सी, भाई मस्त कार है। और जो हमारा होने वाला है ना ये चैलेंज, ये बहुत मस्त होने वाला है पहले इस लड़की के साथ। तो सबसे पहले ई दबाने का बोल लेती हूँ, और उसके बाद में देख सकते हो डैमेज इसकी एक भी गाड़ी है नहीं, डर्टीनेस थोड़ी बहुत है और फ्यूल भी इसके पास में कम है। यू बैट विल बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग द रेस, ओके रेस के अंदर हमारी होगी। तो सबसे पहले रेस पर मैं टैप कर देता हूँ और देखता हूँ पहली रेस कैसी होने वाली है, और ये न्यू अपडेट आया गाइज तो इसके अंदर अपनी रेस हो जाएगी। और आप कमेंट करके बताना कि अपन और इस गेम के अंदर क्या क्या आगे और करें ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत आइडिया आता रहे। तो अभी हमारी रेस स्टार्ट हो गई है गाइज। ओ भाई मेरी गाड़ी देखो क्या मस्त लग रही है, कार बहुत मस्त लग रही है मेरी। ओके रेस स्टार्ट होगी, अभी देखते हैं, ये मेरा पहला टाइम है तो हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, इसीलिए मैं पहले ही वीडियो के अंदर चैलेंज नहीं देना चाहता। पहले अपन हाथ एकदम टाइट कर लेंगे इसके अंदर, बेस्ट रेस करेंगे और उसके बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट इंजन आ गया है और इंजन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके हमारा इंजन स्टार्ट हो गया है, मूव द रेस लाइन। अरे आगे जा ही नहीं रही है, कैसे मूव करूँ? मेरी वाली आगे नहीं जा रही है, उसकी वाली आगे चली गई, ये तो गलत बात है गाइज। और अभी हमारे पास में नाइट्रो भी है और रेस स्टार्ट होने वाली है 8 मिनट के अंदर, देखते हैं क्या पता कुछ हो जाए। अरे चल 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 चल, वेट करवा रहे हैं यार सिर्फ। ओके अभी देखते हैं, और 3, 2, 1 और हमारी रेस स्टार्ट। पर मैं यही कैसे खड़ा हूँ? अरे ये आगे क्यों नहीं जा रही मेरे वाली, ये क्या हो गया गाइज? ये पहली रेस ऐसे कैसे हो गई, मेरी गाड़ी आगे नहीं जा रही, एक जगह खड़ी है गाइज। अरे चल जा, वो फोटो भी खींच रहा है, अरे भाई वो चला गया। ऐसे तो मैं हार जाऊंगा गाइज, और पता नहीं कितने रुपए हारूंगा ये भी नहीं पता। आगे ही नहीं जा रही गाइज, मैंने सब दबा के देख ली, ये देखो गाइज, ये रहा मेरा कीबोर्ड और इसके अंदर मैं सब दबा रहा हूँ, ये देखो W, कुछ हो ही नहीं रहा, एक जगह खड़ी है। शुक्र है मैंने पहली वीडियो के अंदर ही नहीं दिया चैलेंज, वरना तो मजे हो जाते हैं, ऐसे तो ये खराब कर देता मेरा। अभी स्टार्ट हुई है गाइज मेरी गाड़ी, अभी ये क्या कर लेगी गाइज, वो तो बहुत दूर चला गया होगा, और इधर उधर भी नहीं हो रही है, सीधा सीधा चल रही है पता नहीं क्यों। अरे वो तो पहुंच गया होगा, अब क्या करूंगा मैं जाके। वाह क्या गेम है, अब देखना गाइज। यहाँ पे बैट लगाई थी 2,24,000 की और मैं 2,24,000 हार गया हूँ, और पता नहीं कैसे हार गया हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। रिटर्न टू सिटी, पता नहीं पहली रेस कैसी हुई। अपने आप ही हार गया गाइज मैं, देखो अपने आप ही सब दबा के भी हार गया। तो ऐसे ही रेस अपन चैलेंज करने वाले हैं नवनीत भाई को, और मैं चाहूँगा कि मैं कम से कम टाइम के अंदर अपनी बेस्ट कार लेके उसको कंप्लीट करूँ, हो जाता है तो अच्छी बात है। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो उनके कमेंट में भी जाके कमेंट करना, तो देखते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना बन पाता है उनका कम से कम सेकेंड के अंदर, जो भी सुपर कार है वो लेके कर सकते हैं, देखते हैं कि कम से कम टाइम किस में लगता है। तो हमारा पहला तो पोपट हो गया गाइज, और उसके बाद में यहाँ से वो गायब भी हो गई गाड़ी, ये आई थिंक अब कल आएगी या फिर थोड़ी देर बाद आएगी। तो अभी अपन चल लेते हैं अपनी कार लेके, ये रही अपनी कार, बेइज्जती करा देती है ये कार पता नहीं क्यों। और अभी अपन जाते हैं अपनी वो दो कारें ना उनको बेचने के लिए, तब तक रात हो जाएगी। और उसी के साथ साथ हमारे कोई भी चीज़ ओपन नहीं हो रखी है ना अभी आज, ना ही कार मार्केट ओपन है, बाकी अपन नेबरहुड के अंदर जाके देख सकते हो। भाई टक्कर नहीं, अरे भाई ये तो मेरा फिक्स है, टक्कर तो मैं हर किसी के मार देता हूँ बहुत ही आराम से। तो इसको भी तैयार करने दे देता हूँ मैं सबसे पहले, और उसके बाद में वो जो कार होने वाली है दो, उनको मैं बेचने के लिए भी डाल दूंगा। अभी हमारा जो ऑफिस है वो क्लोज है, अपन को यार स्किल्स भी बढ़ानी पड़ेगी, 2 लाख फालतू के अंदर हमारे लग गए पता नहीं क्यों। और ये इलेक्ट्रिक वाली कार भी मैं बेच दूंगा, अभी मैं यहाँ पे तैयार करने के लिए दे देता हूँ अपनी कार। ले भाई एक सेकेंड, अभी यार तू इसको सही कर, मैं आ रहा हूँ तब तक अपनी वो दूसरी वाली कार को
बेच के पैसे की जरूरत है, क्योंकि डायलॉग अपन ऐसे ही हार गए थे। और ये वाला पता नहीं क्यों आ रखा है जंक यार्ड, इसके अंदर मेरे को कभी कुछ कार मिली नहीं है, ऐसे ही खड़ी रहती है। और एक कार वो बाहर खड़ी है, उसको भी मैं अंदर खड़ी कर देता हूँ, बाकी उन दो कारों को बेचना पड़ेगा। और ये देखो मैं कार के अंदर से जाऊँगा, बहुत ईजी है। अभी मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ और अपन फ्यूल भर देते हैं इसको, और तो क्या है। और अपन ट्राई करेंगे इनको ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर बेचें, ताकि अपने पास में पास वापस वो जो जितने भी रुपए थे पहले की तहते हैं उतने तहते तहते वापस आ जाएं। तो अभी बारी है इनको बेचने की, तो मैं इनको बेच देता हूँ। और पहली जो हमारी कार होने वाली है वो ये है, जो कि अपन ने परचेस की थी 50 के अंदर। और इसको मैं बेचूंगा लगभग कितने में बेचूँ, 1 लाख में बेच दूँ, अगर ले लेगा तो कोई अच्छी बात ही है, पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ये है टेजरा, 45 की थी, तो अपन इसको 95 के अंदर बेचेंगे। अरे यार कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, ओके। और बाकी एक बची है ये बहुत महंगी थी 20,000 की, तो इसको मैं बेच दूंगा। ये चली भी बहुत सारी है देखो गाइस, तो इसको मैं बेच दूंगा 55 के अंदर, अगर कोई लेगा तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये है जिसको मेरे को बेचनी है, पोर्च, ये सबसे महंगी ली थी मैंने, ये मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख रहा हूँ, ताकि अपन चला पाएँ। बाकी इनको थोड़ा बहुत साफ़ करना पड़ेगा, वो कर देते हैं ताकि अपन की स्किल इंक्रीज़ हो जाए और स्किल से अपन ये एम्प्लॉय को काम दे पाए। वरना यार ये $500 एक दिन के लेता है और काम करता है सिर्फ कचरे फेंकने का, और कुछ नहीं करता है। तो गाड़ी हमने पूरी की पूरी साफ़ कर दी है चारों तरफ से मेरे हिसाब से, तो ऊपर से भी साफ़ कर देता हूँ। तब तक एक कस्टमर आ गया, कस्टमर सोचेगा मालिक खुद ही काम कर रहा है। और ये हमने पूरी की पूरी साफ़ कर दी है, अभी बात करते हैं कस्टमर से। ओके, ये वाली वॉल्सवैगन है क्या, ये पता नहीं कौन सी, ये लेने आया है। और हमारी जो प्राइस थी वो $20,000 की थी और ये 21 बोल रहा है, नहीं ले, वाह भाई इतने कंजूस लोग। और कोई आया है क्या, नहीं और कोई नहीं आया गाइस, तीनों गाड़ी के लिए आएगा तब तक देख लेंगे। और अभी ओशन भी नहीं चालू है, ना ही आई थिंक कार मार्केट ओपन है, तो अपन नेवरवुड के अंदर जाके देख लेते हैं, क्या पता अपन को कोई बढ़िया कार मिल जाए, मिल जाती है तो अपन बाय कर लेंगे। अरे यहाँ पे भी कोई नहीं है गाइज आज तो गाइज अभी मैं जाता हूँ सोने, क्योंकि अपन को एक और रेस ट्राई करनी पड़ेगी ना अपनी। पहली रेस तो पता नहीं क्यों बकवास हो गई, पता नहीं कैसे बकवास हो गई, 2,24,000 में उसी में आ रहा हूँ, पता नहीं कैसे हार गया, अपने आप ही हार गया, चलती तो है नहीं गाड़ी, पता नहीं क्या हुआ था। तो वो कोई दिक्कत है नहीं, इस बार अगर अपन रेस करेंगे तो आई थिंक थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाए, पहले रेस के अंदर ऐसा होता ही होगा, क्या पता। और अभी इसके अंदर देखो गाड़ी आ गई ना, बढ़िया बढ़िया, वैसे तो क्या ही गाड़ी आई है, बढ़िया बढ़िया, इतनी भी बढ़िया नहीं है, बट अभी कुछ ना कुछ ओपन हुआ होगा तो अपन देख लेंगे क्या ओपन हुआ है, उस हिसाब से मार्केट, कार मार्केट ओपन हुआ है। उसके अलावा कस्टमर्स भी बहुत सारे हैं, तो इनको अपनी गाड़ियाँ बेच देते हैं। एक तो ये रहा, इसके पास में एक ही बंदा आया है, और ये भी मेरे को लग रहा है 21-22 हज़ार बोलेगा, 55 में बोल रहा हूँ, ये कितना बोलता है, 29,000 है ना, बार्गेनिंग करके इसको 35 के अंदर बेच दूँ क्या, 40 के अंदर बेच के देखता हूँ, 41, ओके 4,400, नहीं ये नहीं ले रहा है, 35,000 के अंदर ले लेगा इसको, इसमें बेच देते हैं। और अपन नई कारें भी लेके आनी पड़ेगी और नई रेसेस भी, यार ये इसमें भी नहीं ले रहा, नहीं लेनी है इसको, मेरे को लग रहा है ये टाइम पास करने आया था। अब बात करते हैं इन मैडम से, ये पता क्या पता ये ले ले, 1 लाख का मैं बोल रहा हूँ और ये 72 का, भाई अच्छी खासी पेमेंट दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इनको बोलते हैं 85 का ले लेगी तो अच्छी बात ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 का आसपास का। ओके, इनको मिल गई है ये गाड़ी। और अभी बात करते हैं इस गाड़ी की, ये भी ले लेंगे, टेजरा है और ये आवाज़ भी नहीं करती है, तो इसके अंदर ये मिल सकती है। और जैसे कि आपको पता ही इलेक्ट्रिकल है, तो इसके अंदर अपन लगा सकते हैं, जल्दी वहाँ से हटो, 48 का बोल रहा है ना, मैं 55 के अंदर इसको दे देता हूँ, ले ले भाई कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 का अपन को प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले ले, क्योंकि मेरे को और भी कारें लानी पड़ेगी। और ये बंदा आ गया इस कार के लिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा सस्ती बिकती है यार गाइज, ये सस्ती मिलती भी है और सस्ती बिकती भी है, दोनों गाड़ियाँ। और ओके अभी देखते हैं ये कितना दे रहा है, 28 दे रहा है ना, तो ये 35 के अंदर ले लेगा क्या, पिछले वाले ने तो नहीं ली थी, बट इस वाले में ट्राई करते हैं, क्या पता ये ले ले। ओके नहीं ली, तो ये जितने में बोल रहा है उतने में सेल कर देते हैं, ये 28 का बोल रहा है ना, ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास में 966 हो गए हैं, अभी कार मार्केट जाके देखते हैं, लैम्बोर्गिनी वगैरह आ रखी होगी तो रेस करने में मज़ा भी आ जाएगा। ओके कार मार्केट ये रहा, कार मार्केट जाके देखते हैं, अच्छी बढ़िया कार होगी तो रेस उसी से करेंगे, वरना तो क्या ही कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके ये कार है जो उसके पास थी, जो हम जिसको जिसने हमको हराया था, तो ये 75 की है, ये मैं बार्गेनिंग करके ले लेता हूँ 65 के अंदर, कारों की ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए मैं ले लेता हूँ। ओके मिल गई अपन को, और ये टूटी फूटी भी है जिस हिसाब से देखने को मिल रही है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से बेच देता हूँ टो करवा के। और बात करते हैं एक और वैसी की वैसी, ओके एक और योटाया टूपरा 61 की, भाई ये तो महंगी बहुत बता रहा है, 55 दे दे यार, कोई दिक्कत नहीं है, दो हो जाएंगी हमारे पास में, कलेक्शन हो जाएगा बढ़िया, दे दे तो अच्छी। ओके मिल गई एक और, तो इसको भी अपन बेच देते हैं यहाँ से डायरेक्ट सर्विस के अंदर। और बात करते हैं इस वाली गाड़ी की, ऑडी TT है, ये देखते हैं कितने में देती है, 31 की है ना, ये नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। और ये नहीं, वो नई वाली वापस से कार आ गई है एक बार वापस, BMW, और ये प्राइस थोड़ा हाई होगा, तो इसको भी बार्गेनिंग के लिए बाय कर लेते हैं। इसका 35 बोलते हैं, अगर देता है तो अच्छी बात है, वरना तो दो कारें हैं हमारे पास में और ड्रैग रेस करनी है अपन को, तो वैसे तो ये बोल रहा है लो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को नहीं देनी। और देखते हैं कोई कार आ रही, ये क्या भाई ये कैसी कार है, देखते हैं डोज आर पिकअप, 13,000 का ये, मेरे को लगा बहुत महंगा होगा जिस हिसाब से बड़ा है,
और ये वाली पुराने ज़माने की कार ये कितने की होने वाली है, BMW सीरीज़ 5, ये 15,000 की है। कोई नहीं, और ये तो महंगी होगी, पता है ये तो महंगी होती है, चेवलेट चेवलेट करके है कुछ, ये महंगी होती है, इसको भी बाय करेंगे। अपन 55 के अंदर अगर दे देती है तो ले लेते हैं, वरना तो दो कारें हमने आज परचेज़ की है। ओके ये भी मिल गई है अपन को, तीन कारें हो गई गाइस हमारे पास में, तो इसको भी मैं यहाँ से भेज देता हूँ टो करके। और ये तो नैनो है, ये नहीं चाहिए, और ये तो पुराना ठहर रहा है, ये भी नहीं चाहिए। तो अभी अपन डायरेक्ट जाते हैं वापस अपने शॉप के अंदर और वहाँ से गाड़ी उठाते हैं और डायरेक्ट चलते हैं ड्रैग रेस करने। ओके दो कारें हैं जो कि ये रही आ रखी है और इनको सर्विस के अंदर देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओहो यहाँ पे भी दो कारें हैं मेरी पहले से खड़ी, एक ये रही, देखते हैं ये थोड़ी डैमेज है, इसको डैमेज के लिए दे देते हैं। और हमारी ये वाली गाड़ी तैयार हो गई है, तो इसको मैं एक बार पीछे कर लेता हूँ और पीछे वाली गाड़ी को देख लेता हूँ, वरना फिर से टक्कर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। ओके अभी बारी है इसकी तैयार करने के लिए देने की, और इसको तैयार करने के लिए दे देते हैं हम यहाँ पे। ओके भाई साहब देखना तो ज़रा, ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मेरे को लगा कुछ प्रॉब्लम होगी। देखते हैं पेट्रोल भरवाना है बस, बाकी तो ये A1 है ना गाड़ी, तो पेट्रोल भरवा देंगे, बाकी यार रेस इसी से कर लूँगी, मस्त देखने को मिल रही है ना ये, पर वो वाली गाड़ी मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगी। तो इसको मैं डायरेक्ट एक बार अपनी शॉप के अंदर खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं एक बार, और उस वाली गाड़ी को भी शॉप के अंदर खड़ी कर देता हूँ ताकि बेचने में आसानी हो, और उसका भी देख लेता हूँ डैमेज वगैरह है कि नहीं है, फिर अपन चलते हैं रेस करने, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई ये तो डैमेज फुल है, फुल डैमेज है, मेरे को लगा ये गाड़ी होगी जो डैमेज नहीं होगी, पर इसने मेरे को गलत साबित कर दिया है। तो अभी इसको पीछे करते हैं हाँ, और डायरेक्ट चलते हैं उसके अंदर। और इसको ये लंबी कितनी है गाइज, इसके इस बार मैं टायर ना थोड़े ऊपर रखूँगा। अरे ये क्या हुआ, अरे भाई ये देखा गाइज आपने, कैसे अभी कोई नहीं था अचानक से कैसे आ गया यहाँ पे, यार ख़राब कर दी ना मेरी गाड़ी। ओके अभी इसका कलरिंग करवाना बाकी है, थोड़ा कलर करवा देंगे, बाकी सब सही है, इस गाड़ी को हटाना पड़ेगा सबसे पहले, यहाँ पे दे देता हूँ। अचानक से गाड़ी आ गई है, तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी डैमेज हुई है, थोड़े पैसे कम कर देना वरना देख लेना। अभी इसको पीछे करते हैं और इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इसको लेके जाते हैं गाइस, और इसका थोड़ा कलरिंग वगैरह करवा के इसको शॉप के अंदर खड़ी कर देता हूँ मैं। ओहो उसके टक्कर मत हो जाना यार, मैंने बहुत मुश्किल से सही करवाई है उसको, और थोड़ा सा घूम जा बस, यहीं से घुमा लेता हूँ मैं इधर और इसको इधर। ओके अभी बात करते हैं कहाँ पे गया वो पॉइंट वाला, इसको पेंट कर दे गाइस, बढ़िया ये कुछ इस टाइप का ही पेंट था ना, मेटल टाइप का, ये इस टाइप का, ये कलर कर देता हूँ और पॉलिश कर देता हूँ थोड़ी एक्स्ट्रा में, और इसका ये अब हो गई सही हमारी कार, ये हो गई बेस्ट कार, बाकी इसके अंदर कुछ डलवाने की ज़रूरत है नहीं, इसको डायरेक्ट जाके खड़ी कर दूंगा और बेच दूंगा, अपने पास में पैसे हो जाएंगे और वापस आके उस वाली गाड़ी को लेके अपन चलेंगे ड्रैग रेस करने। अभी कोई आके टक्कर मार दे तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ वो रही मेरी कार, और अपन डायरेक्ट चलते हैं रेस करने और देखते हैं कि इस बार अगर अपन जीत गए और कम के अंदर जीत गए, कम सेकंड्स के अंदर, तो अपन का रिकॉर्ड बन जाएगा, देखते हैं बना के बनता है भी नहीं बनता। और इस बार गाड़ी बहुत लल्लू सी गाड़ी है, तो अपन बहुत ही आराम से जीत जाएंगे, गाड़ियों का भी फ़र्क पड़ता है, रेस के लिए मैंने कह दिया है, और हमारे रुपए भी लग गए हैं 2-3 लाख जितने भी लगने थे, अभी देखते हैं जीत देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ओके इंजन स्टार्ट हो गया गाइस, पर लेकिन फिर से मैं वहीं खड़ा हूँ और वो आगे चला गया बंदा पता नहीं कैसे, और मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। ओके अब जा पा रहा हूँ, अच्छा अब समझा मैं, स्विफ्ट से होता है आई थिंक, नहीं 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 अब ये चल 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 अल्ले, अरे ये पीछे कैसे चलने लग गए गाइस, उल्टी चलने लगी मेरी गाड़ी, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये मेरी गाड़ियों को क्या हो रहा है, पीछे चलने लग गई थी कभी नहीं कहीं की, अब आगे चल रही है गाइस, अब तो क्या ही हो जाएगा, वो तो चला गया आई थिंक, मेरे साथ में ऐसा ही क्यों होता है पता नहीं क्यों। और नीचे देख सकते हो आप सेकंड चल रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं टारगेट देने वाला हूँ, मेरे साथ में हमेशा उल्टा ही हो जाता है, वो पीछे चली गई थी, मैं फिर से हार गया, इस बार 72 आ रहा हूँ यार। तो गाइस फिर से एक बार हार के बहुत अच्छा लग रहा है, पर लेकिन इस बार गाड़ी आगे गई थी पर आगे जाके वापस से पता नहीं क्यों पीछे आ गई, और कुछ ज़्यादा ही पीछे चलने लग गई, फिर से पैसे लग गए गाइस। इस बार मैं थर्ड बार जो ट्राई करने वाला हूँ ना, वो एकदम ढंग से करने वाला हूँ, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी नवरीत गेमिंग बाइक के साथ। तो भाई आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे चलती है, पता नहीं क्यों पीछे आ जाती है। और अभी मैं इस गाड़ी को यहाँ पे खड़ी करता हूँ और पहले जाता हूँ मैं सोने, ताकि नेक्स्ट डे होगा ना तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, क्योंकि मेरे को यार ये रेस जीतनी है कैसे भी करके। सो गाइस हमने सो के उड़ गया हूँ और ओशन चलेंगे, पहले अपन चलते हैं ऑफिस और डायरेक्ट वहाँ से गाड़ी लेते हैं और वापस जाता हूँ मैं एक बार ड्रैग रेस करने। इस बार कुछ भी हो जाए मैं आगे ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए पता नहीं क्यों मैं पीछे रह जाता हूँ, पेट्रोल भर देता हूँ इसके अंदर और बैठता हूँ, और चलो भाई वापस से चलते हैं। अभी कुछ भिड़ंत भिड़ंत मत हो जाना टक्कर वक्कर, किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है मेरी मेरे को लग रहा है, इसलिए मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, चैलेंज वगैरह फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ चैलेंज करने का। और कहाँ, अरे कहाँ गया वो, ओके ये रहा, इस बार मेरे को लग रहा है गाड़ी उससे भी ठहरा होगी क्या, नहीं भाई इस बार गाड़ी बढ़िया है, अभी जो नहीं आई है वो वाली आई थिंक, वो दो गाड़ियाँ खड़ी है गाइज इस बार, तो एक ये रही और एक ये रही, किससे रेस करें है ना, तो इसी से करूँगा यार उससे क्यों करूँगा, बढ़िया गाड़ियों के साथ रेस करने में मज़ा आता है। तो अभी मैं स्विफ्ट दबा के इसको इंजन विंजन को स्टार्ट कर लूँगा जैसे भी होते हैं, और उसके बाद मैं आगे जाके खड़ा हो जाऊँगा वरना दिक्कत हो जाएगी, पीछे पता नहीं क्यों चली गई मेरी गाड़ी। और इसके अंदर नाइट्रो वगैरह यूज़ नहीं कर सकते आई थिंक, कर सकते हैं तो गाइज़ आप कमेंट करके बताना कि अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते,
और भाई हाथ उठा लिए इसने, क्या एंगल्स देखो गाइस कैमरे के, लोग फोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं, बढ़िया बात है। तो अभी मैं ये वापस से आगे जाके खड़ा हो जाता हूँ, और ये खड़ा हो गया मैं प्रॉपर आगे, ओके रेस देता रहता हूँ। और मैं इस बार जैसे ही गो होगा ना, ऐसा गोली होके जाऊँगा, पीछे जाऊँगा आगे जाऊँगा मेरे को ये नहीं पता, पता नहीं कैसे आगे पीछे चला जाता हूँ ऑटोमेटिकली, पर लेकिन ट्राई यही करूँगा कि मैं जीत जाऊँ। 3 2 1 गो, अभी आजा साले, अब आजा तेरे को मैं बताता हूँ, बाय बाय। 4 सेकंड 5 सेकंड गाइस, अभी आप देखना कि मैं कितने सेकंड के अंदर जीत जाता हूँ। 7 8 अरे ऐसे कैसे, वो नाइट्रो कैसे लगा के चला गया, ओहो अभी मैंने तीसरी रेस के अंदर एक और चीज देखी। अरे भाई वो बहुत ज्यादा स्पीड से चला गया गाइस, मैं क्या करूं पता नहीं। इस बार गाइस अपन इससे रेस करने वाले हैं, और इससे भी रेस करके देखने वाले हैं, इस बार फिर से पैसे लग गए हमारे, ये हमारी 4th रेस है, और अभी तक मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया इसका कि गियर वगैरह भी खुद को लगाने पड़ते हैं, नाइट्रो पता नहीं कैसे यूज होता है, आप जरूर कमेंट करके बताना। अच्छा आई से स्टार्ट, शिफ्ट से गियर, ओके कंट्रोल से डाउन, अल्ट से ओके, अब पता चला गाइज, लिखा हुआ पढ़ने पढ़ना पड़ता है, मैं भूल गया था, अनपढ़ जाहिल गवार। आई से स्टार्ट होता है, शिफ्ट से गियर होता है, और अल्ट से ओके अब समझाऊं गाइज मैं, अभी समझाना मैं, अभी देखो मैंने शिफ्ट दबा दिया है तो हमारी गाड़ी पहले गियर के अंदर है, और शिफ्ट से अपन क्या कर सकते हैं, गियर डाल सकते हैं, और अल्ट से अपन नाइट्रो यूज कर सकते हैं, ओके। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ फिर से, ये लेट लेट क्यों बता रहा है, शिफ्ट ही तो दबा रहा हूँ, अरे ये कैसी लेट है मेरे को समझ में नहीं आया, ये देखो ये लेट आ रहा है, मैं वैसे कर कर कहते तो मैं माइनस में चला जाऊंगा, क्या गुंडा बनूंगा मैं। ओके गाइज आज की भी यहाँ पे गाड़ियाँ गायब हो गई है, पता नहीं क्यों, अपन को कल फिर से आना पड़ेगा, और इस बार मैं जीत के रहूंगा, मेरे को कुछ नहीं पता, ये वीडियो जब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं जीतूंगा नहीं इसके अंदर, एक रिकॉर्ड तय करना है ताकि अपन रिकॉर्ड के लिए चैलेंज के लिए कुछ तो दे सकें, ऐसे तो मेरी वाट लग जाएगी यार। अभी वापस से जाता हूँ मैं सोने, इधर से ही चला जाऊंगा सोने, और डायरेक्ट मैं गैस स्टेशन पे आ जाऊंगा उठ के। कैसी ब्रेक रेस हो रही है पता नहीं, गियर का भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, शिफ्ट अच्छा शिफ्ट से दूसरा गियर, ऐसे करके मेरे को जानी पड़ेगी, और 2 गाड़ी 3 गाड़ी आ गई इस बार गाइस, जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ वैसे वैसे गाड़ियां बढ़ रही है यहाँ पे, और ये 1,14,000 की बैट है, लगा देता हूँ गाइस ऐसे कर करके, देखो गाइस मेरे पास में 10 लाख थे, 6 लाख कर दिए, शिट ये मैं चला, ये पहला गियर, ये दूसरा गियर, ओके ये तीसरा गियर, और ये नाइट्रो, तुमसे ना हो पाएगा, दिमाग का दही हो रहा है मेरा, मेरे को जीतना है कैसे भी करके जीतना है, सारे रुपए लग जाएंगे आज पर ये जीत के रहूंगा, 2-3 गाड़ियां हैं वो बेच दूंगा पर लेकिन जीत के रहूंगा सारे घर बार बेच दूंगा बट जीत के रहूंगा। हाँ भाई साहब आप कितने रुपए ले रहे हो, वो 55,000 करते हैं, रेस करते हैं, गुड चलता चलता पता नहीं क्यों मैं बैट चलने लग जाता हूँ, और नाइट्रो भी यूज करना है अल्ट से, अरे मैं पीछे ही तो था, ये किससे पैसे लग रहे हैं, ये मैं क्या करूं, ओके ये लास्ट मैम बची है, इनसे रेस करेंगे, इसके बाद में बंद करो, अब तो मैं बहुत पीछे खड़ा हूँ, ये देखो वो देखो एकदम कोने पे खड़ा है, मैं एकदम पीछे खड़ा हूँ, अभी कुछ नहीं होना चाहिए, इस बार कुछ हुआ ना मैं बंद कर दूंगा ये सारा, ये पहला गियर लगा, ये दूसरा गियर लगा, ये तीसरा लगा, और ये अब अल्ट, मैं जीत गया फाइनली। ओहो टाइम है 12.8 सेकंड गाइज, तो आज का वीडियो बस यही खत्म करते हैं, मैंने किया है 12.8 सेकंड के अंदर, और आप लोग वहां जाके कमेंट करना, एकदम मिनिमम टाइम होना चाहिए उनका, और अगर उन्होंने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये कंप्लीट कर दिया तो मैं ट्राई करूंगा इसके अंदर फुल हार्डवर्क करके उनसे कम करने का, तो प्लीज़ ये जाके कमेंट कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा रुपये हार चुका हूँ और दिमाग का थोड़ा दही बड़ा सब कुछ हो रखा है, तो मैं जाता हूँ गाइज आज की वीडियो एंड करते हैं यहीं पर, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।